लेक विक्टोरिया को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लेक विक्टोरिया के थ्री साइड पे कौन सी कंट्री है हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी तो जी मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस और अब टाइमिंग कुछ इस तरीके की हो गई है कि मेरे स्कूल से घर तक के बीच में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सब लगभग सेम टाइम पे छूट रहे हैं तो खूब जाम मिलता है काफ़ी लेट हो जाता है पहले ही स्कूल लेट का हो गया एक घंटा और बढ़ गया और दूसरा अब ये जाम की वजह से भी रोज़ दस पंद्रह मिनट पाँच मिनट दस मिनट मतलब रोज़ लेट हो रहा है तो अब स्कूल में एज अ टीचर मेरा काम अभी ख़त्म हो गया और एज अ मोम दूसरे रोल में आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक बस ये ई रिक्शे वाला टाइम और अब मिलता है बच्चे देख रहे हैं हैरी पॉटर खाना खा चुके हैं तो ये लोग अभी अपने टाइम पर ही आ रहे हैं दो दो बजे के करीब इनकी छुट्टी हो जाती है तो एक से डेढ़ घंटा इनके पास रहता है मेरे आने से पहले का उस टाइम में लोग खाना खा के अपना चिल कर लेते हैं फिर मैं आके इन्हें पढ़ाने बैठ जाती हूँ क्योंकि चार बजे से अब ये राजमा चावल तो मैं बना के गई थी और जो आपने अभी बाउल में देखे हैं वो सब्जियां मेरी देवरानी ने भिजवाई हैं आज उसने कोई पूजा की थी तो यहाँ पर जो है खाना अब इतना हो गया है कि मैं खा लूँगी ये लोग खा चुके हैं तो सारी सब्जियां फ्रिज में रख दी जाएंगी शाम को आज सब्ज़ी नहीं बनानी तो करेले बनाऊँगी इसलिए अब मैंने खाना खा लिया पंद्रह मिनट में और अपनी एक कप चाय बना ली थी मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे अभी आपने देखा तो वो तो चले गए हैं अब ऑफिस और चार बजे का मैंने अपने फ़ोन में प्रॉपर अलार्म सेट किया हुआ है ताकि अगर मैं आके फ़ोन वगैरह देखने लगूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ और मैं फ़ोन में लगी रहा हूँ ये टी में तो पता लगा पढ़ने बैठ ही नहीं पाए तो मेरे फ़ोन में चार बजे का अलार्म लगा हुआ है तो वो बजते ही मैं इन्हें कह देती हूँ कि चलो अंदर और बच्चे हैं दस पंद्रह मिनट अभी छः घंटे स्कूल में पढ़ के आए हैं तो इन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल अप होने में तो जैसे कि आप देख रहे हो एक यहाँ बैठी है दूसरी वहाँ पर उल्टी लेटी हुई थी तो अब मैं आ गई हूँ चाय रख दी फिर मैंने ना पढ़ाना शुरू किया फ़ोन मैंने रख दिया इनका होमवर्क देख के फिर ये कि अब चलो अब तरीके से बताती हूँ क्या है तो अगर इनको जो मैंने कल कॉन्सेप्ट कराए थे मैथ में वो अच्छे से समझ में आ गए उसी के आगे के सवाल थे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के जो आज मिले थे और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये अपने आप जो है मेरे बिना मदद के आरोही कर गई आराध्या ने तो कल भी कर लिए थे उसको कल ही समझ में आ गए थे तो इनके आज मैंने चेक किए ना तो लगभग सारे सवाल जो हैं वो बिल्कुल ठीक निकले तो ये उसी की खुशी है जो अभी आपने आराध्या के मुंह पर देखी अब एक सब्जेक्ट मैथ हो गया दूसरा फिर निकाल लिया मैंने सोशल uh, स्टडीज इसका कराया क्योंकि जो भी चैप्टर मैम पढ़ा रही है मैं हाथ के हाथ उसके वर्ड पोर्टल और एक्सप्लेनेशन कराती जा रही हूँ वो गवर्नमेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लुक आफ्टर वेलफेयर ऑफ पीपल वेलफेयर माने भलाई है ना ऑफ कंट्री एंड इट्स डिवीजन यानी कंट्री और उसके जितने भी भाग हैं ऐसा नहीं कि किसी एक शहर का पूरे उसका जितने भी भाग है कंट्री के उसके लोगों की भलाई के लिए जो काम करने वाले एक लोगों का ग्रुप उसे मिला के हम कहते हैं गवर्नमेंट ठीक है इंडिया इज गवर्न्ड एट थ्री डिफरेंट लेवल इंडिया में तीन लेवल पे शासन जो है वो संभाला जाता है सेंट्रल स्टेट एंड लोकल तो सेंट्रल में जो दिल्ली में है गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट जो यूपी सरकार है ठीक है हो योगी आदित्यनाथ जी हैं चीफ मिनिस्टर जो होते हैं एंड लोकल जो मेरठ केवल मेरठ शहर को जो संभालती है वो गवर्नमेंट हो गई लोकल गवर्नमेंट उनके मेयर होते हैं वहां के मेयर होते हैं विधायक होते हैं पार्षद होते हैं वो वहां के देखते हैं हम्म अब दूसरा सब्जेक्ट सोशल स्टडीज होने के बाद तीसरा सब्जेक्ट मैंने लिया जीके इट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका इट इज बॉर्डर्ड बाई कीनिया तंजानिया एंड युगांडा हम्म लेक विक्टोरिया को ऐसे भी पूछ सकते है की लेक विक्टोरिया के थ्री साइड पे कौन सी कंट्री है देन आर आंसर विल भी कीनिया तंजानिया एंड युगान्डा है न लेक विक्टोरिया जो है वो कौन सी कंट्री में है तो अफ्रीका में है है ना ऐसे एक पॉइंट में से ऐसे तीन पॉइंट बना के याद करने लगभग सवा पाँच बजे तक सवा घंटे में इनके ये तीनों सब्जेक्ट जो थे वो हो गए थे उसके बाद मैं मेरी आंखें मिची जा रही थी क्योंकि सुबह साढ़े पाँच से ये टाइम आ जाता है लगातार तो मैंने बच्चों को बोला था कि अगर मैं सो जाऊँ जब तुम लोग जाओगे इतने कमरे से बाहर अपना बैग वगैरह सेट करके तो मेरी एक क्लिप बना लेना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देना तो इन्होंने ऐसा ही किया और ये अपने दूसरे रूम में खेलने के लिए चली गई और मैं सोकर उठी फिर साढ़े छः बजे तो ये है कि जब मुझे लगता है सोना है तो फिर मैं सो जाती हूँ देखी जाएगी जो काम जैसे होता है फिर रिशेड्यूल हो जाता है तो आज बनेंगे करेले क्योंकि डिनर में मेन सब्जी कुछ बननी नहीं है तो करेले आज बना दूंगी तो ये टाइम यूटिलाइज हो जाएगा तो मैंने कढ़ाई रखी लेकिन करेले से पहले मैं इसमें बच्चों के स्नैक्स का भी टाइम हो रहा है इस टाइम पे हल्की हल्की सी भूख लगती है तो मैं उनके लिए मखाने फ्राई कर रही हूँ अच्छा मखाने फ्राई करने के ना मुझे जो समझ में आए हैं लगातार करते करते क्विक और सटीक तरीके जो इसमें काम करते हैं आप एक तो जो बर्तन है वो भारी तले का लेना चाहिए कढ़ाई जो भी लो भारी तले की हो उसमें आपके मखाने जलते नहीं हैं और जल्दी फ्राई होते हैं और इवनली फ्राई होते हैं कोई कच्चा कोई पक्का नहीं रहता और दूसरी चीज़ पहले देसी घी डाल लिया उसके बाद उसमें मखाने छोड़े क्विकली टॉस किया उनको जल्दी से हर मखाने के ऊपर हल्के हल्के घी की कोटिंग जिस टाइम पर हो गई है एग्जैक्ट उस टाइम पे आपको नमक स्प्रिंकल कर देना तो आपका नमक जो है वो बिल्कुल हर मखाने के ऊपर इवनली आएगा और बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प मखाने दोनों डाल के दिए तो। इनके छोटे स्केच पेन जो है वो खाली हो गए थे चल नहीं रहे थे तो इन्होंने इनको कट करके अब ये अपने डॉल सेट के लिए मार्कर बना लिए उनका साइज छोटा करके शॉप शार्प कर कर के मतलब इस तरीके से तो ये अपने डॉल सेट के लिए छोटी छोटी चीज़ें जुगाड़ से बनाती रहती हैं तो वो ये दिखा रही थी मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी अब इधर मखाने फ्राई हो रहे हैं और इधर जो है ब्लिंकेट से आ गया हमारा कुछ सामान तो मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है कि मैं बहुत ज़्यादा बल्क में ग्रोसरी मकाना प्रफ़र नहीं करती क्योंकि उसे भरना उसके डब्बे क्लीन करना या कोई चीज़ छान के भरनी है वो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है और शाम को नपातुला टाइम जितना भी रहता है शाम को क्या सुबह क्या तो थोड़ा थोड़ा मंगाने से ना देखो काम भी होता रहता है और ऐसा भी नहीं लगता कि आज कुछ बड़ा पहाड़ हमें तोड़ना है तो ये काम हो जाता है अब ये इतने ब्लिंकेट का थैला खुला और सामान निकले ना इतने मखाने बिल्कुल बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं तो बच्चों को तो मैंने इसमें फटाफट दे दिया ऐसे ही कटोरी में करके एक दो खाएंगे इतने ये ठंडे हो जाएंगे और बाकी के मैं ना प्लेट में करके रख दूंगी सुबह इनके टिफ़िन में चले जाएंगे इतने हैं तो एक बार में मैं इतने ही करती हूँ कि मतलब एक बार शाम को खा लें और अगले दिन जो है वो सुबह चले जाएँ तो पाँच सात मिनट लगते हैं फटाफट से अपना कभी भी जब कढ़ाई चढ़ी तो अपना कर लिया अब यहाँ पर ये करके रखूंगी ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको दूसरे बर्तन में किसी में भी आप एयरटाइट डिब्बे में पलट के रख दो अगर कल सुबह नहीं भी खाए गए आप इन्हें चार पाँच दिन बाद भी खाओगे तो अगर आपका डिब्बा टाइट है तो बिल्कुल सही रहेंगे ये वाले डिब्बे मैंने मिशो से मंगाए थे चार का सेट था साढ़े छः सौ रुपये के लगभग का और मैंने अपने दूसरे चैनल पे किचन हॉल शेयर किया हुआ है उसमें इनकी सारी डिटेल और कोड्स वगैरह हैं तो अगर आपको पसंद आ रहे हो ना तो आप वहाँ पर उस वीडियो को चेक कर लेना प्लीज़ और ये रैक भी वहीं से है मीशो से इसमें मैंने ऑयल और एक बोतल में लाइट करके रखी हुई है मनी प्लांट और नीचे बच्चों के छोटे छोटे खाने पीने के सामान तो ये एक रैक मैंने इधर मेंटेन कर दी है उधर थोड़े डिब्बे कम आ पा रहे थे इसलिए और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ मैं माइक्रोवेव के ऊपर रख देती हूँ जो भी अवेलेबल होते हैं ताकि बच्चे आते जाते अगर उन्हें दिखे और मन हो तो वो खा सकें तो यहाँ पर आपका ना बच्चों को खिलाने का सबसे बढ़िया जुगाड़ यही है या उन्हें कपड़े जोन से आपको पहनाने हैं सबसे बेस्ट जुगाड़ है जो आपको उनसे करवाना हो ना वो चीज़ उनके सामने आँखों के रहने दो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हाथ उनका वहीं जाता है तो ये ट्रिक मैं कपड़ों में भी करती हूँ जो कपड़े मुझे इन्हें पहनाने होते हैं कि मैं चाहती हूँ कि वो ये कपड़े पहने उसको मैं कपड़ों की लाइन में ऐसे रखती हूँ कि सामने से इन्हें वही दिखे तो ये वही निकाल लेती है और पहन लेती हैं ज़्यादातर कोई बच्चे जहमत नहीं उठाते अंदर हाथ डाल के कुछ और कपड़ा ढूँढने की तो यहाँ पर करेले जो हैं वो मैंने काट दिए काटने के बाद इनको नमक लगा के और 15 से 20 मिनट के लिए इनको छोड़ना है तो इस तरीके से हाथ से मिक्स कर रही हूँ नमक लगा के और फिर इसको ढक के जो है वो मैं रख दूंगी हाथ से ही मिक्स करें तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं चम्मच से ढंग से मिक्स नहीं हो पाते दूसरा तरीका इसका देखो बॉईल करके बनाने का भी है तो जैसे भी चाहे आप बना सकते हो और बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मुझसे ज़्यादा अच्छा उनको किचन में आता है काम तो कई तरीके और भी होंगे इसे बनाने के और इससे कोई आसान तरी का हो जो आप इस ब्लॉग में देखोगे तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना जिसमें करेले जो हैं वो मतलब रख के खाने वाले हिसाब से बने सब्जी एक टाइम की नहीं रख के खाने के हिसाब से ही पसंद है हमारे यहाँ सबको पूरी सब्जी के तौर पे कोई नहीं खाता हमारे यहाँ करेले इस तरीके से ही खाते हैं कि थोड़ी सी सब्जी के साथ अचार के तौर पर करेले की दो चार चम्मच रख ली तो इस तरीके की अगर रेसिपी कोई हो ना तो शॉर्ट में मुझे ज़रूर बताना कमेंट में मैं वेट करूँगी अब बच्चों का जो है पौने आठ का टाइम हो रहा है लगभग तो पहले मैंने आटा गूँथ लिया रोटी सेक दूँगी करेले बनाऊँगी बाद में तो ये सब्ज़ी के तौर पे तो अभी वैसे भी नहीं खाने हैं तो ये है कि बन के रखे जाएंगे तो कल से ये खा लिए जाएंगे अब मैंने जो है ये कढ़ाई मखाने वाली रख रखी है इसी में बनाऊँगी क्योंकि जो करेले बनाने हैं इसको एक किनारे रख दिया दूध बॉईल होने रख दिया ताकि जब तक मैं सोऊंगी दूध फ्रिज में रखने लायक हो जाएगा और मैंने जो है रोटी सेकने की तैयारी शुरू कर दी अब रोटी वगैरह सब सिक गई है इन तीनों ने खाना ले लिया जो ग्रोसरी भरने को रह गई थी वो रह गई थी बेसन तो बेसन मैं छान के भरती हूँ तो जब मेरा रोटी सिक गई ना तो आटे वाली परात में मैंने बेसन छान लिया अब इसमें से भर दूंगी उसके बाद ये परात चली जाएगी धुलने के लिए तो इसीलिए बेसन जो है वो भरने को रह गया था अब मैंने सारा बेसन छान लिया और बेसन बिल्कुल साफ़ निकला है वरना राजधानी का बेसन अक्सर हमारे यहाँ यही आता है लेकिन एक बार इतने ज़बरदस्त घुन इसमें निकले थे कि मैं रिस्क नहीं लेती कभी भी पैकेट बंद का क्या और खुले का क्या बिना छाने भरने का तो मैंने इसको छान लिया और इस तरीके से आप खूब दबा दबा के भरो तो घुन नहीं होते जल्दी आपके इस तरीके की जो बेसन है या कोई सा आटा है जो थोड़ी मात्रा में आपका है तो उसको ना खूब टाइट करके दबा दबा के भरो तो चल जाता है काफ़ी दिन अब ये मैंने डब्बा रख दिया ऊपर और जी अब दूसरा काम शुरू होगा ये लोग तीनों खाना खा रहे हैं मेरा प्लान ये है कि मैं करेले बना कर कुकिंग का काम ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही जो है मैं करूँगी डिनर लेकिन खतरों के खिलाड़ी बच्चों ने चला लिया और मुझे पसंद है वो भी तो मैं उसको भी देखना चाह रही थी और ये जो निचोड़ने का काम है इसमें थोड़ा सा मेरे हाथ में अंगूठे में दर्द चल रहा है आजकल तो मुझसे ये वाले अंगूठे से ज़ोर नहीं लग रहा उल्टे हाथ वाले से तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि निचोड़ने का काम आप कर देना तो निचोड़ उन्होंने दिए अब मैं करेले बना रही हूँ तो देखो एक तो सरसों का तेल लेना है रिफाइंड वगैरह में मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छे बनेंगे हमने हमेशा उसी के खाए हैं और छोंकने में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला कलौजी डाली और हल्दी डाली तीन चीज़ डाली है मैंने तेल में उसके बाद ये नमक लगे निचोड़े हुए करेले जो हैं ये डाल दिए बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और अगर आप बॉईल करके बना लो तो भी आपका कड़वापन जो है वो बिल्कुल चला जाएगा करेलों का अब मसाले जो डल रहे हैं इसमें डल लिया धनिया और ये है सौंफ पिसी हुई सौंफ डाल रही हूँ मैं इसमें आप चाहो तो दरदरी पिसी हुई या साबुत सौंफ भी डाल सकते हो तो यहाँ मैंने पिसी हुई सौंफ डाली और कलौंजी डाली मतलब मैंने जो वीडियो भी देखी थी अगर आप सब्जी के तौर पे बना रहे हो तो उसमें वो प्याज लहसन अदरक ये सब डाल रहे हैं लेकिन मेरी सासू माँ जैसे बनाती थी या मेरी मम्मी जैसे बनाती थी तो वो अचार के तौर पे बनाती थी तो इसमें अचार वाली ही चीज़ें सौंफ है और जी ये कलौजी है ये सब चीज़ें डलती हैं तो अचार वाली महक भी आती है और फ्लेवर भी खट्टा करने के लिए मैंने इसमें अमचूर का पाउडर डाला है और नमक थोड़ा कढ़ाई में था थोड़ा इस करेलों में भीगने की वजह से आ गया नमक में तो ज़रा सा नमक और डाला अब इसे हमें गलाना है बिना पानी के जो तेल हमने डाला है उसी में ही गलाना है अच्छा एक चीज़ और मैंने खटाई डाल दी शुरू में लेकिन मेरी कढ़ाई स्टील की है अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो कढ़ाई में आपको उसमें जो खटाई है वो बाद में डालनी है अभी नहीं डालनी अब ये बन के रेडी हो गए थे बढ़िया यहाँ पर चल रहा है खतरों के खिलाड़ी तो जब स्टंट आता है तो मैं आके बैठ जाती हूँ बाहर और जब इनकी आपस में चिटचैट चलती है तब मैं चली जाती हूँ वापस किचन में अपना काम करने मन तो था कि मैं कह दूँ कि बंद कर दो मुझे काम करना है लेकिन फिर ये तीनों भी बोर ही हो रहे थे तो मैंने सोचा कि अगर मुझे देखना होगा मैं बाद में चला के दोबारा देख लूँगी अब इस बीच में तीन बार मुझे चलाना पड़ा है और करेला बल के बिल्कुल रेडी हो गया ड्राई ड्राई सा बना है क्रिस्पी सा बना है और खट्टा मतलब अच्छा बना है इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली और नमक डाला है धनिया डाली है जीरे का फ्लेवर आ रहा है खटाई का फ्लेवर आ रहा है कलौंजी का फ्लेवर आ रहा है सौंफ का फ्लेवर आ रहा है मिर्च इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली मैंने और बढ़िया बने थे जैसी एक्सपेक्टेशन थी अचार की तरह लगेंगे पराठे के साथ अब ये है जी किचन की हालत सुबह से लेके अब तक के यहाँ पर पूरे बर्तन हैं पूरे जो सिंक में समा भी नहीं रहे और मैंने बजाई चुटकी और मेरे बर्तन हो गए साफ <laughs> काश ऐसा होता ना ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो मैंने फिर बर्तन धोने शुरू कर दिए और उसके बाद देखो बर्तन का ना आप लोग कई बार कहते हो कि डिश वॉशर ले लो एक बार मैंने वीडियो में भी शेयर किया मैं पूरा घड़ी से मिला के टाइम लगा के चल रही थी आधा घंटा लगता है मेरे को इतनी फैली हुई किचन जो है वो पूरी समेटने में और उसके बाद फिर रह जाती है स्लेब क्लीनिंग आधे घंटे में सारे बर्तन हो जाते हैं तो क्या ये कह लो हैबिट पड़ गई या कुछ भी है लेकिन मुझे नहीं घबराहट होती इतने सारे बर्तन देख के भी क्योंकि एक सिस्टम सा बन गया मैंने कई बार शेयर भी किया है कि आप ना मतलब इन्हें भी सेग्रीगेट करके करो तो सब हो जाता है टोकरा अलग रख देती हूँ सारी प्लेटें एक तरफ सारे गिलास एक तरफ सारी कटोरियाँ एक तरफ कांच के सारे एक तरफ सारे कप से एक तरफ और जो कुकिंग वाले बर्तन रहते हैं कुकर कढ़ाई फ्राइंग पैन चाय का कुछ ये सब चीज़ें ये चार चीज पे पांच चीज़ें अलग रखी रहती हैं और उसी सीरीज़ में फिर धोती हूँ कि पहले बड़े बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद जो है छोटे वाले जो है वो मैं उसके साइड साइड में तरीके से लगाती चली जाती हूँ तो जो कुकिंग वाले बर्तन हैं उनको मैं टोकरे में नहीं रखती क्योंकि सारे बर्तन स्टील के हैं और भारी हैं तो उनको मैं नहीं रखती इसके अंदर उनको बाहर टोकरे के सेट कर देती हूँ और जितने भी हमारे खाए पिए बर्तन होते हैं कप प्लेट ग्लास ये सब चीज़ें ये सारी की सारी पूरे दिन की तीनों मील के बर्तन जो हैं वो इस टोकरे में एक में ही समा जाते हैं तो ये पैटर्न होता है हालांकि मुझे लगता है जब मैं कम बर्तन कभी घर में होती हूँ दो तीन बार मांज लेती हूँ लगता भी है कि हाँ देखो कम टाइम लगा पाँच सात मिनट लगे लेकिन ठीक है जैसा शेड्यूल है वैसा कर लेना चाहिए जब मुझे नहीं है टाइम उन पाँच सात मिनट के लिए भी या फिर ये है कि अगर मैं हाथ के हाथ बर्तन धोने के चक्कर में जो मुझे लेटने का टाइम मिल रहा है या थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाने का टाइम मिल रहा है वो भी ना मिले तो उसकी बजाय फिर ये है कि मैं सोचती हूँ कि ठीक है एक बार मैं धुलूँगी जो भी धुलना है कोशिश ये रहती है कि सामने से स्लेब साफ हो जाए वो फैली ना रहे लेकिन कई बार वो भी फैली रह जाती है क्योंकि अभी मैं आपको सच बताऊं हफ्ते भर जो है जब भी टाइम चेंज होता है कम से कम हफ्ता दस दिन लग जाता है शेड्यूल बनने में तो शाम की छुट्टी जो है वो एक सवा घंटे का फ़र्क पड़ रहा है तो अभी शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ऐसा लगता है कि आके खड़ी हुई हूँ और बस इन्हें पढ़ाया और दिन ख़त्म हो गया कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा तो अब इसी दिवाली वाली जो प्लानिंग है ना वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी एक महीना है ऑलमोस्ट दिवाली को लेकिन मैं आपके साथ ट्राई करूँगी कि बिल्कुल डे टू डे आपके साथ शेयर कर दूँ कि हाँ जो आप भी फॉलो कर पाओ अब यहाँ पर गैस बर्नर जो है मैं कोई क्लीनर वगैरह अलग से इस्तेमाल नहीं करती जो साबुन वाला है मेरा स्क्रबर उससे ही बीच में कभी भी जब लगा कि हाँ थोड़ी ज़रूरत लग रही है तो मार देती हूँ और फिर यही डस्टिंग वाला कपड़ा जो है इससे एक बार में ही देखो वाइप ऑफ करा बिल्कुल शीशे सा चमक गया कुछ भी नहीं होता इसमें ऐसा कि जिसके लिए आपको स्पेशल क्लीनर खरीदना पड़े अगर आप डेली में क्लीनिंग इतनी कर लेते हो तो आपका सिंपल आपका वेम्बार जो है बर्तन धोने का साबुन और सिंपल वही स्क्रबर आपका बिल्कुल बढ़िया काम कर जाएगा पूरी किचन क्लीनिंग में आप बिल्कुल किचन हो गई है साफ़ कल के कपड़े वगैरह जो थे वो मैंने किचन का काम शुरू होने से पहले निकाल दिए थे और अब मुझे कल की कोई तैयारी नहीं करनी है सिर्फ मेरा एक काम बचा है एडिटिंग का लेकिन पौने ग्यारह बज रहे हैं और अगर एडिटिंग टाइम से हो गई तो कल आपको वीडियो टाइम से मिल जाएगी और अगर आपको आज यानी कि 11 तारीख को ये वीडियो मिल जाती है तो समझ जाइए कि मैंने 12 से 1 बजे तक काम किया है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए और मैं भी खुश हो जाऊँ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़